ठीक है। अब देखो आज आपका स्पेलिंग रूल्स हम पढ़ाने वाले हैं आपको। अब स्पेलिंग रूल्स जो है आपका किस पर डिपेंड करेगा? सिलेबल पर। सिलेबल का मतलब ये होता है किसी भी वर्ड को बोलने पर, समझ पा रहे? किसी भी वर्ड को बोलेंगे, बोलने के लिए क्या होता है उसका प्रोनंसिएशन जरूरी है। प्रोनंसिएशन पर कहने का मतलब ये हुआ, प्रोनंसिएशन का मतलब उच्चारण, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो उच्चारण आपका बोलते, कोई वर्ड छोटे होते हैं, कोई मीडियम होते हैं, कुछ और भी बड़े होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो सिंगल होता है सिलेबल, जैसे सिलेबल का मतलब कह सकते हैं प्रोनंसिएशन कह सकते हैं, प्रोनंसिएशन कह सकते हैं उसको। तो प्रोनंसिएशन के हिसाब से या प्रोनंसिएशन के ऊपर बेस्ड है, उस पर आपको जल्दी समझ में आएगा। यह सिंगल हो गया, उसके बाद में डबल हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, मल्टी। सिंगल सिलेबल ये ऐसा वर्ड जिसको बोलने पे आपका टंग, टंग समझते ना, जीभ, या जीभ से मतलब ही आप टंग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप देसी समझ सकते हैं कि आपका क्या, आपका कोई वर्ड बोलने पे आपका मुंह जो है ना एक बार, या टंग एक बार मूवमेंट हो या ट्विस्ट कह सकते हैं, वो आपका सिंगल सिलेबल हो गया। सिंगल जैसे आपका कोई वर्ड बोले, जैसे कि हो गया रन, हो गया जैसे कि आपका गेट, जैसे कि पुट, गेट हो गया, कट हो गया, उसकी वजह से आपका पुट, इस तरह के वर्ड जो होंगे, या रॉब, देखो आर ओ बी, इस तरह से एक्सेट्रा डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका कौन सा हो गया, आपका सिंगल सिलेबल हो गया। अब सिंगल के बाद में क्या आएगा, डबल सिलेबल। डबल सिलेबल में जैसे दो बार आपका प्रोनंसिएशन करने पर किसी वर्ड का आपका ट्विस्ट, या कह सकते हैं आपका मुंह जो है ना उसका मूवमेंट या खुलने की बात कर सकते हैं, तो क्या होगा आपका डबल सिलेबल। डबल सिलेबल का मतलब जैसे हमने बताया आपका पर मिट, जैसे बेने फिट, जैसे ये, जैसे कमिटमेंट, जैसे सी ओ डबल एम आई टी, कमिट, वैसे डबल भी है। अब इस तरह का हो गया। मल्टी में जाएगा आपका दो से ज्यादा बार, जैसे हमने बताया आपका कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन जैसे, ब्यूरोक्रेसी जैसे, मान लो BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी जैसे, इस तरह के वर्ड ये काफी है। इनको बोलने पर देखो कॉन्ग्रेचुलेशन तीन बार कम से कम है, तो कौन सा हो गया सिलेबल आपका, मल्टी सिलेबल, जैसे ब्यूरोक्रेसी, ये है ना, ये क्या आपका, ये भी आपका मल्टी सिलेबल है। तो ये सिलेबल पहले क्लियर करो। तो स्पेलिंग रूल्स को पढ़ने के लिए सिलेबल मतलब प्रोनंसिएशन बोल करने पर आपका ट्विस्ट कह सकते हैं, जीभ का मतलब टंग का, या आपका मुंह है जो कितनी बार खुलता है, उस पे डिपेंड करता है। सिंगल हो गया जिसको बोलने पर सिर्फ एक बार, डबल हो गया जिसको बोलने पर दो बार, मिट बेनिफिट, इसके बाद में कमिट, इस तरह, उसके बाद में आपका मल्टी में जाएगा जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन या ब्यूरोक्रेसी, इस तरह के, जरूरी नहीं है बहुत सारे वर्ड होते, अभी लिखवाएंगे फिर आपको, समझ पाए ना। तो इतना हो गया आपका, स्पेलिंग रूल्स को स्टार्ट करेंगे अभी हम, ठीक। अब इसमें से हम पहला रूल्स या रूल कह सकते हैं, या जो भी ऑब्लिगेशन कह सकते हैं, कि पहला रूल समझ लो, ऐसे समझो कि अगर कोई भी वर्ड सिंगल सिलेबल हो, है ना, सिंगल सिलेबल का कोई वर्ड है, पहले तो समझ लो सिंगल सिलेबल होना चाहिए, डबल पे नहीं जा रहे हैं ना, मल्टी पे जा रहे हैं, सिंगल सिलेबल का वर्ड हो, भाषा भी लिखवा देंगे, और उससे पहले, है ना, सिंगल सिलेबल का वर्ड हो, और उस सिंगल सिलेबल के वर्ड के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, और उस लास्ट वाले वर्ड से पहले एक क्या हो, वोवेल हो, समझ पाए ना, और उसी वर्ड में कोई वोवेल से शुरू होने वाला सफिक्स लगाया जाए, समझ पाए ना, वोवेल से शुरू होने वाला सफिक्स लगाया जाए, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब जैसे हमने ये बोला, आपको समझ में नहीं आया होगा, सीधी सी बात है, देखो अब जैसे ये रन लिखो, रन लिखा, अब देखो ये बताओ क्या है, सिंगल सिलेबल है, है ना, सिंगल सिलेबल। सिंगल सिलेबल का मतलब हमने बताया, सिंगल सिलेबल वर्ड हो, उसके लास्ट में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट। अब इतनी सबको इंग्लिश आती भी कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होते हैं आप जानते हैं इंग्लिश में, या ए, जैसे कि ई, आई, ओ और आपका यू, ये क्या है आपके वोवेल्स, बाकी सब रिमेनिंग क्या होगा आपका कॉन्सोनेंट। तो हमने ये पहला जो ऑब्लिगेशन है कि सिंगल सिलेबल का वर्ड हो, उसके लास्ट में लास्ट वाला जो अल्फाबेट वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले क्या हो, एक वोवेल हो, कितना,
एक सिर्फ वन या सिंगल वोवेल कह सकते हैं, सिर्फ एक ही होना चाहिए तभी वो लागू होगा, सिंगल हो और लास्ट में भी एक कॉन्सोनेंट हो। अब हम उसके बाद में क्या बता रहे हैं कि फिर उसमें एक सफिक्स लगाया जाए, कौन सा सफिक्स? वोवेल से शुरू होने वाला, वोवेल से स्टार्ट होने वाला, है ना, स्टार्ट होने वाला। अब जैसे रन लिखा, ये सिंगल सिलेबल हुआ, अब वोवेल से स्टार्ट होने वाला सफिक्स हम मानते हैं थोड़ा सा बताने के लिए, जैसे क्या आई एन जी जैसे लगाते हैं। अब आई एन जी एक सफिक्स, सफिक्स तो जानते हो ना, जो शब्द के बाद लगाया जाता है, प्रीफिक्स क्या होता है, जो सबसे पहले लगाया जाता है। तो अब रनिंग का स्पेलिंग लिखो, क्या लिखोगे, R U और डबल N I N G। तो रनिंग का स्पेलिंग पता है, डबल N क्यों होता है, सिर्फ इसी वजह से, क्या नहीं होता है? होता है भाई, हमारे कहने का मतलब यह है कि जब कोई वर्ड सिंगल सिलेबल हो, उसके लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले सिर्फ एक वोवेल हो और उसमें वोवेल से शुरू होने वाला सफिक्स लगाया जाए, तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है या हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया आपको रन में एनुअल फॉर्म लगाया, जैसे क्या हो गया, रनिंग, इस तरह से। और भी देखे, जैसे ये देखो, पुट लिखते हैं ना, पी यू टी प्लस आई एन जी वाला फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, पी यू डबल टी और आई एन जी, हो गया ना पुटिंग, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब जैसे दूसरा देखो, रॉब, आर ओ बी, देखो रॉब लिखा, ये रॉब बी है ना, लास्ट में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है, एक वोवेल है। अब चाहो तो ई वाला फॉर्म लगाओ, तो रॉब का सेकेंड फॉर्म मान सकते हो, तो क्या लिखा जाएगा, रॉब डबल बी हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी मान लो तो क्या हो जाएगा, रॉब। ये जैसे या आर ओ बी प्लस ई आर वाई सफिक्स लगाओ, क्योंकि देखो ई आर वाई से नाउन बनता है, तो रॉबरी का स्पेलिंग क्या होगा, आर ओ डबल बी ई आर वाई, रॉबरी, है ना, इस तरह से, ठीक है। लिखो, अब देखो ये इस तरह का हमने बताया, पहला जो ऑब्लिगेशन है, रूल जो हमने अभी बताया था, उसी को आप सही से हम बोल रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल, पहले तो आपका क्या सिंगल सिलेबल का एक वर्ड हो, अब एक बार समझ लीजिए, सिंगल सिलेबल का वर्ड हो, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल रन लिया था, रन ले रहे हैं, उसके लास्ट में क्या एक कॉन्सोनेंट हो, सिंगल कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट, और उस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट से पहले क्या एक वोवेल होना चाहिए, एक ही वोवेल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगर उसमें सफिक्स लगाया जाए, सफिक्स मतलब यहां रन के बाद कोई सफिक्स लगाएंगे, किनसे स्टार्ट होने वाला, वोवेल से स्टार्ट होने वाला सफिक्स लगाया जाएगा ना, कौन कौन से, जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई से, ओ से और यू से। जैसे मान लो जनरली जो बनते हैं, ई आर हो गया, जैसे आपका ईडी वाला फॉर्म हो गया, जैसे ई एन हो गया, जैसे आई एन जी वाला फॉर्म हो गया। अब जैसे मान लो हमने अभी एक बताया था क्या, रन वाला, आर यू और एन प्लस आई एन जी जैसे लिखते हैं ना, तो रन में एन क्या है आपका, सिंगल कॉन्सोनेंट, सिंगल सिलेबल। अब रनिंग का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, डबल एन हो जाएगा। अब जैसे मान लो रन में आर यू एन लिखेगा प्लस ई आर लिखो, मान लो जी जी रनिंग, जैसे इस तरह से। और भी देखिए, जैसे हमने रॉब वाला बताया, जेट वाला, जैसे मान लो देखो जी ई टी प्लस आई एन जी लिखोगे तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा, गेटिंग, ये ऐसे। अब हम आपको वर्ड्स बोले दे रहे, लिखा डबल सिलेबल। तो अब सेम जो रूल अभी बताया आपको, वो भी सेम रूल किस पे लागू होगा, आपका डबल सिलेबल पे भी वही लागू होगा, सेम, कुछ भी नहीं करना है, क्या लास्ट में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले, सब चाहे जितना बड़ा हो, सबसे लास्ट में जाना है, लास्ट में एक होना चाहिए, हिंदी वाला एक या वन सिंगल कह सकते हैं, और उससे पहले एक ही वोवेल होना चाहिए। जैसे मान लो दो हो रहे हैं, जैसे बोट लिखते हैं, ये जैसे लिखा बोट, है ना, तो बोट में है तो सिंगल सिलेबल, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले कितने वोवेल आए, दो, तो बोटिंग लिखने पर इसका टी डबल नहीं होगा, समझ रहे ना, बोटिंग लिखने पर इसका टी नहीं होगा, क्यों, ठीक। अब दूसरा देखो, अब यहां पर लिखेंगे, जैसे परमिट लिखा था, पी ई आर एम आई टी, परमिट लिखा हुआ है, ठीक है, परमिट, देखो परमिट,
अब इसमें भी जैसे ईडी वाला फॉर्म लगाए तो परमिटेड का पीईआर और एम आई डबल टी ईडी परमिटेड हो गया, सेकंड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म हो सकता है, और कौन सा आईजी वाला फॉर्म बना दो परमिटिंग जैसे इस तरह से है तो डबल टी हो जाता है। अब जैसे दूसरा कोई वर्ड ले लेंगे, अब इसमें वर्ड दिए होंगे रेग्रेट लिखो, जैसे रेग्रेट आर ई जी आर ई टी रेग्रेट, रेग्रेट वाला देखिए आर ई जी आर ई टी रेग्रेट में भी जैसे ई वाला फॉर्म लगाइए तो रेग्रेटेड रेग्रेटेड हो जाएगा, रेग्रेटिंग लिखेंगे तो वी डबल टी हो जाएगा। जैसे कमिट लिखो सी ओ डबल एम आई टी कमिट, देखो कमिट में भी ईडी वाला फॉर्म लगाओ तो कमिटेड का पता सी ओ डबल एम आई डबल टी और ईडी कमिटेड में डबल टी हो जाएगा। जैसे एडमिट देखिए ए डी और एम आई टी एडमिट, इसका भी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो एडमिटेड में भी डबल टी हो जाएगा। कमिटी का स्पेलिंग लिखते हैं तो सी ओ देखो डबल एम आई टी कमिट में डबल ई देखो लगाओ सफिक्स वोवेल लगा है तो कमिटी का स्पेलिंग कैसे लिखा था सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई तभी तो डबल टी हो जाता है, कमिट में डबल ई लगाया तो स्पेलिंग क्या हो गया कमिटी। समझ पा रहा ये है देखो कमिटी का जब लिखते हैं तो हमें याद करना होता है, नहीं याद नहीं करना है। कमिट लिखा फिर से देखिए सी ओ डबल एम आई टी कमिट होता है प्लस डबल ई लगाते हैं तो सी ओ डबल एम आई अभी क्या होगा डबल टी डबल कमिटी हो गया इस तरह से। तो ये डबल सिलेबल में भी लागू होगा। अब देखो तीसरा जो है तीसरा रूल्स है इसमें क्या है कोई शब्द जो हो कोई भी शब्द है उसके लास्ट में क्या है डबल एल हो डबल एल है अब उसमें फिर से सफिक्स लगाएंगे कौन सा फुल सफिक्स मान लगाते हैं। फुल सफिक्स हमने बताया था लिखवाया था किसका होता है एडजेक्टिव का से बिल्कुल का स्पेलिंग लिखेंगे तो डब्ल्यू आई एल और एफ यू एल बिल्कुल ऐसे हो गया।